नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं जहां वो रहती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर हम लाखों बार बात कर चुके हैं, कई चर्चाएं हुई हैं, कई डिबेट हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इन चर्चाओं का, इन बातों का क्या औचित्य है, कैसे कोई असर पड़ता है, कैसे कोई फर्क दिखता है। नहीं, कहते हैं कि महाराष्ट्र जहां पर एक शहर है मुंबई, जिसके पीछे की सच्चाई अलग है और सामने दिखता कुछ और है, लेकिन उस महाराष्ट्र में जहां पर एक वक्त था कि लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, उस महाराष्ट्र से एक के बाद एक बीते कई महीनों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि चिंताजनक हैं। एक मामला सामने आया है, जरा मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ज्यादा बात नहीं क्योंकि कट टू कट मैं आपको बताऊंगी। महाराष्ट्र के बीड में, बीड एक जगह का नाम है, एक नाबालिग के साथ पिछले कई महीनों से दुष्कर्म हो रहा था। दुष्कर्म करने वाले, आप कहेंगे कि गैंग रेप है तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। नहीं, ये आंकड़ा आपकी सोच से परे है, मेरी, आपकी, हम जैसे तमाम लड़कियों या लोगों के सोच से परे है। ये आंकड़ा है 400 का। आप अंदाजा लगाइए कि 400 लोगों पर इल्जाम लग रहा है, पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं, मामला गंभीर है, केस दर्ज कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि 16 साल की लड़की, मासूम 16 साल की लड़की, जिसने अभी जिंदगी में सिर्फ 16 साल देखे हैं। 5 साल तो ऐसे होते हैं जब बच्चा पैदा होता है जो कुछ पता ही नहीं होता, तो उसके बाद हम चीजें समझने लगते हैं, चीजें देखते हैं, पता होता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। 16 साल की मासूम लड़की, 6 महीने में 400 से ज्यादा लोगों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पूरे मामले में बीड़ के SP राजा रामस्वामी ने जानकारी दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में कंप्लेन जो की गई थी, मतलब जो शिकायत दर्ज की गई थी, उस पर अमल किया जा रहा है, छानबीन की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र में आखिर क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। हम बात करते हैं कि हम महिलाओं को पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के कदम पीछे खींच रहे हैं।